एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है, इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैंने आपको यह जो सेशन है, सारे जो एमसीक्यूज है रिसर्च मेथोडोलॉजी के, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तो आपको अच्छी तरीके से एक बार सारे एमसीक्यूज देख लेना है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस यूनिवर्सिटी के जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये 26 अक्टूबर यानी कल से ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको ऑफिशियली शो करा जाएगा। तो आप कल से ही आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और आपके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इस यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये आपका है 20 नवंबर, ठीक है। यानी आपके पास 20 to 25 days अभी भी रिमेनिंग है प्रिपरेशन के लिए। तो आपको जल्द से जल्द हमारा जो कोर्स है उसको परचेस करके आपकी स्टडी को आपको स्टार्ट करना है। तो देखते हैं हमारे जो कोर्स है उसके बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है आपका, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है। आपका पेपर वन और सेक्शन ए जो होता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है, जिसमें आपको 50 MCQs पूछा जाता है फॉर 50 मार्क्स। याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 50 MCQs पूछा जाएगा आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर। और एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करना ही है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स आपको प्रॉपरली हम गाइड करते हैं। टाइम टू टाइम हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं हमारे इस कोर्स में कि आप एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कोर्स में हम आपको पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर करने की गारंटी देते हैं। तो आपको याद रखना है, हमारे कोर्स में हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स जो कि थियोरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स होते हैं, देन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स और रिवीजन पीडीएफ, और ये सारा जो कंटेंट है आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, पासिंग की गारंटी यानी आपको एग्जामिनेशन में पास करने की गारंटी हमारी होती है। हमारी टीम जो होती है, एक जो एक्सपर्ट्स होते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स है, वो आपको हमारे कोर्स को और जो कोर्स के थ्रू है आपकी प्रिपरेशंस करने में काफी मदद करेंगे। और आपको पासिंग मार्क्स तक आप पास हो जाओ, इतना आपको गारंटी यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो काफी कम फी है कोर्स को परचेस करने के लिए। स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ऐप का लोगो हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, इस ऐप के थ्रू ही आपको स्टडी मटेरियल को एक्सेस करना है। तो चलिए, आई होप कि आपको हमारे जो कोर्स है उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। तब भी आपको कोर्स रिलेटेड जो भी डाउट्स है, आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर व्हाट्सएप पे आप हमें पूछ सकते हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। क्लासिफाइंग अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज एट्रीब्यूट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, क्या आप किसी भी पर्सन के एट्रीब्यूट्स को आप क्लासिफाई कर रहे हो, तो ये किस वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, आप उसके एट्रीब्यूट को आप क्लासिफाई करो। एट्रीब्यूट क्या, बेसिकली कि क्वालिटीज क्या है, वो पर्सन किस तरीके से है, उसमें उस पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज है। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, एक कोई पर्सन है वो ऑनेस्ट है, ओके, वो पर्सन जो है वो हार्ड वर्किंग है, ब्यूटीफुल है, ठीक है, गुड लुकिंग है, तो ये क्या है, उस पर्सन की क्वालिटीज है, ठीक है। आप किसी भी पर्सन की क्वालिटीज को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, उसको क्लासिफाई कर रहे हो, तो ये कौन से वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। उससे पहले आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है यहाँ पर। तो हम हर एक वेरिएबल को स्टडी करेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वेरिएबल को देखते हैं, तो ये होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट के ग्रेड्स को मेजर कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, आप देखोगे कि आपके जो पर्टिकुलर बैच है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिविजन है, सारे डिविजन में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है आपके पास, आपके पास जो प्लेट में कुछ आपके पास चीजें हैं, कितने हैं आपके पास, कितने पेन हैं बॉक्स में। तो यहाँ पर ये जो चीजें अगर आप काउंट कर रहे हैं, तो आपको पॉइंट्स में आपको नहीं मिलेंगे वेरिएबल्स, यानी पॉइंट्स में आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। आपको डिस्क्रीट वेरिएबल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
नाइन टेन, कुछ इस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे, डेसिमल में नहीं मिलेंगे। यानी यहाँ पर वन और टू के बीच में जो वैल्यूज लाई करती है, यानी 0.1, 0.2, 0.3, तो ये सब वैल्यूज डिस्क्रीट वेरिएबल में नहीं लाई करेंगे। अगर आपको किसी ने कहा आपके पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सेवेंथ ए में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं आपको काउंट करना है, तो आप किस तरीके से आपके जो स्टूडेंट्स की काउंटिंग होगी, या तो 40 होगी, 30 होगी, 20 होगी, 50 होगी, ठीक है, 10 होगी। लेकिन आप ये नहीं कहोगे 10.1 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और यू कैन, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि 3.4 स्टूडेंट्स है, आप एक होल नंबर बोलेंगे 1, 2, 3, 4, या फिर 10 है, 20 है, 30 है। तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटीन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? कंटीन्यूअस वेरिएबल में हर एक वैल्यू पॉसिबल होती है, जैसे 1, 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है। कंटीन्यूअस वेरिएबल में हर एक वैल्यू पॉसिबल होगी, जैसे किसी का आप वेट मेजर कर रहे हो, ठीक है, किसी का आप बॉडी वेट मेजर कर रहे हो, तो बॉडी वेट जो है आपको पॉइंट्स में भी मिल जाता है। होल नंबर किसी का मान लीजिए 45 है, किसी का 45.4 है, किसी का 44.3 है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको हर एक वैल्यूज पॉसिबल है कंटिन्यूस वेरिएबल में, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल, हर एक वैल्यू पॉसिबल होंगी। रैंडम वेरिएबल यानी आप कोई स्टडी कर रहे हो, मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी परफॉर्म करते हो, तो कभी कभी कुछ ऐसे वेरिएबल्स आ जाते हैं जो कि रैंडमली आकर होते हैं, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो खुद ब खुद बाय नेचर वो आकर हो जाते हैं वो वेरिएबल, तो उसे हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे कि आप अभी तक देखोगे सारे वेरिएबल जो है ऑप्शन ए से लेके ऑप्शन सी तक, इसमें जो है नंबर्स से डील हो रहा है। रैंडम वेरिएबल में हो सकता है नंबर्स भी हो, ठीक है, और आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वर्ड्स के फॉर्म में भी हो, ठीक है, आप रैंडम वेरिएबल में कुछ भी आकर हो सकता है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है ये नंबर्स के फॉर्म में, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्वालिटीज के बारे में पूछा गया है। आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर आपको फोकस करना है वर्ड पर एट्रीब्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट हिंट दी गई है क्वालिटीज। तो याद रखना है ऐसे वेरिएबल जो आपको क्वालिटीज बताए वो होते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल। कैटेगोरिकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी चीज की क्वालिटीज को डिस्क्राइब करे, जैसे यहाँ पर पर्सन की क्वालिटीज है, ठीक है, वो ब्यूटीफुल है, वो स्मार्ट है, वो ऑनेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी वेरिएबल का अगर आपको क्वालिटी पूछा गया हो तो ये कौन से वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा? कैटेगोरिकल वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो मेजरमेंट नहीं है सेंट्रल टेंडेंसी का, ठीक है। तो ये यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मैंने आपको हर एक लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करा है। सेंट्रल टेंडेंसी यानी जब भी आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल आपने, आप क्या करते हो पॉपुलेशन में से किसी सैंपल को चुन लेते हो, ठीक है। यानी क्या होता है कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज होती है, तो आप सारी पॉपुलेशन पर रिसर्च नहीं करते, पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स को चुन लेते हो जो कि आपका यहाँ पर वो मेंबर्स सैंपल बन जाएंगे, ठीक है, ये आपका सैंपल बन जाएगा। अब सैंपल से आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन होती है, सैंपल से मिलने वाला जो भी डेटा होता है, आप उसको क्या करते हो ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो उस इंफॉर्मेशन को आप कुछ इस तरीके से ग्राफ में कन्वर्ट करोगे आप, ठीक है। मान लीजिए एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी आपने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली आपने इस ग्राफ में उस इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इस ग्राफ में मान लीजिए किसी भी ग्राफ में, याद रखना आपको किसी भी ग्राफ में आपके सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि आप उस ग्राफ का मीन मेजर करोगे, मीडियन एंड मोड। सो मीन क्या होती है? मीन होती है आपकी एवरेज वैल्यू, ठीक है, ओके। मीन क्या होती है? आपकी एवरेज वैल्यू, यानी ज्यादातर वैल्यू और एवरेज जो है आपका मीन एवरेज, यानी ज्यादातर लोग किस रेंज में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। मीडियन, मीडियन यानी मिडिल वैल्यू, आपके ग्राफ की मिडिल वैल्यू ये होगी, ठीक है, क्योंकि आपने क्या करा, मान लीजिए आपने ये पार्ट को इक्वल पार्ट में कट कर दिया, आपने इस ग्राफ को क्या करा इक्वल पार्ट में, आपने इस ग्राफ को कट कर दिया यहाँ से, तो यहां से कट कर आपने तभी ये इक्वल पार्ट में कट हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे सेंट्रल पार्ट और मिडिल पार्ट, ठीक है।
मीडियन यानी आपके डेटे की और आपके ग्राफ की मिडिल वैल्यू, ठीक है, क्लियर एवरीवन? मीडियन यानी आपके ग्राफ की मिडिल वैल्यू और सेंटर वैल्यू। एंड मोड, मोड यानी आपके डेटे में ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, ओके, रिपीट वैल्यू, रिपीटेड वैल्यू जो मैक्सिमम टाइम आपके डेटे में रिपीट हो रही है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम मोड। जैसे मान लीजिए आपके पास एक इन्फॉर्मेशन दिया गया, एक डेटा दिया गया जिसमें स्टूडेंट्स के इन्होंने मार्क्स आपके साथ शेयर करा है, जिसमें यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 फाइव स्टूडेंट्स के, आपके जो फाइव स्टूडेंट्स के हैं मार्क्स उन्होंने यहाँ पर आपके साथ शेयर करा है। 100 में से किसी को 80 मिला है, किसी को 85, किसी को 70, किसी को अगेन 80 एंड एक स्टूडेंट को अगेन 18। तो यहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें आप देखोगे कि 80 नंबर जो है रिपीट हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, इस डेटे की जो मोड वैल्यू है वो है 80, जो कि ज्यादा बार, सबसे मैक्सिमम बार रिपीट हो रही है, तो उसे हम कहते हैं मोड, ठीक है। तो याद रखना है मीन, मीडियन एंड मोड ये होते हैं आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, ये आपके सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट नहीं होता है, बल्कि क्वार्टाइल, क्वार्टाइल यानी फोर पार्ट्स, ठीक है। तो मान लीजिए आपने पॉपुलेशन पर रिसर्च करी, सॉरी आपने क्या करा, पॉपुलेशन ली और सैंपल को आपने चुन लिया, पॉपुलेशन में से किसी को 4 to 5 पीपल को, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करा, सैंपल्स पर रिसर्च करी, सैंपल पर मिलने वाला जो भी डेटा था उसको आपने क्या करा, यहाँ पर आपने फोर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 एंड 4। तो कोई भी डेटा को अगर आप फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हो, फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल, ठीक है। सो क्वार्टाइल जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वार्टाइल। नेक्स्ट, सो एनालिसिस ऑफ वेरियंस इज यूज्ड व्हेन कंपैरिजंस आर मेड अमंग। सो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि एनालिसिस ऑफ वेरियंस जो है, जिसे हम कहते हैं एनोवा टेस्ट भी, ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरियंस को हम क्या कहते हैं, एनोवा, ठीक है। सो एनोवा टेस्ट हम कब यूज करते हैं, हम कितने ग्रुप्स को एनोवा टेस्ट में कंपेयर करते हैं, तो मैंने यहाँ पर इस पर डिटेल में भी वीडियो बनाया है, आपके हर एक टेस्ट पर आप वो वीडियो जाकर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, उसमें क्या करते हैं आप, वेरिएंस को एनालिसिस करते हैं, ठीक है, यानी आप क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के मीन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो रिमेम्बर एनालिसिस ऑफ वेरियंस में आप क्या होता है, आपके पास मोर देन टू ग्रुप्स होते हैं, यानी आप दो या फिर दो से ज्यादा, ओके, सैंपल्स के मीन को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, रिमेम्बर याद रखना है, एनालिसिस ऑफ वेरियंस में दो या फिर दो से ज्यादा सैंपल के मीन को आप क्या करते हो, यहाँ पर कंपेयर करते हो, कंपैरिजन करते हो बेसिकली। वैसे तो हम हर एक टेस्ट जो होते हैं, हर एक यानी पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में, सारे भी टेस्ट में हम क्या करते हैं, सबको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम दो या फिर दो से ज्यादा सैंपल के मीन को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मोर देन टू ग्रुप्स, ठीक है। अब हम बाकी जो ऑप्शंस है वो भी आपको देखना है कि वो ऑप्शन क्या होते हैं, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ऑप्शन बी इज लेस देन टू ग्रुप्स। सो याद रखेगा, आप अगर कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, जैसे पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंडर जो आते हैं आपके टी टेस्ट, जी टेस्ट, ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है आपका एनोवा टेस्ट, ठीक है, काय स्क्वायर टेस्ट वगैरह आपका नॉन पैरामेट्रिक में आता है। तो इस तरीके से आप जब भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं आप कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर हमेशा दो ग्रुप्स के बीच में कंपेयर होगा या फिर उससे ज्यादा ग्रुप के बीच में कंपेयर होगा, लेकिन सिर्फ आप एक ग्रुप लेकर उस पर कंपेयर नहीं कर सकते हो, तो ये डेफिनेटली जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है, आपको इस तरीके से समझ में आना चाहिए लॉजिक, ठीक है। देन ऑप्शन थ्री इज टू ग्रुप्स। आप सिर्फ दो ग्रुप पर कब स्टडी करते हो, जब आप दो ग्रुप के मीन को कब कंपेयर करते हो, टी एंड जी टेस्ट में ही, याद रखना है टी एंड जी टेस्ट में ही आप दो ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करते हो, याद रखना है, ठीक है। ये दो ऐसे ही टेस्ट है जिसमें सिर्फ दो ग्रुप्स के मीन को और सैंपल के मीन को आप कंपेयर करते हो टी एंड जी टेस्ट में। अगर उससे ज्यादा करना है आपको, उससे ज्यादा आपके पास ग्रुप्स है, तो आप कौन से टेस्ट पर जाओगे, एनोवा टेस्ट पर, ठीक है। देन ऑप्शन डी इज एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट ग्रुप।
सो याद रखना है एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट ग्रुप क्या होता है आपका, ये आप कौन से टेस्ट में यूज करते हो, ये बहुत डिफिकल्ट टेस्ट होता है जो होता है सैंपल टी इंडिपेंडेंट टेस्ट, ठीक है, इसे हम कहते हैं सैंपल टी इंडिपेंडेंट टेस्ट, जिसमें आपके पास दो, ठीक है, एटलीस्ट एटलीस्ट यानी दो इंडिपेंडेंट ग्रुप हो सकते हैं या फिर दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो से कम नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा एक ही ग्रुप पर आप टेस्ट पर स्टडी नहीं कर सकते हो, कंपेयर नहीं कर सकते हो, एक ही ग्रुप है तो आप किसको कंपेयर करोगे, तो इसलिए एटलीस्ट यानी दो या फिर दो से ज्यादा। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, दो या फिर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप होते हैं, उस पर आप स्टडी करते हो, उसके मीन जो आता है उसका मीन फाइंड आउट करते हो, और आपके पास जो पॉपुलेशन होती है स्टडी में, आपकी पॉपुलेशन जो होती है वो अननोन होती है, ठीक है, आप क्या करते हो अननोन पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हो, उसका मीन जानने की कोशिश करते हो कि ये सैंपल क्या है पर्टिकुलर इसी पॉपुलेशन से लिया गया है या फिर नहीं। तो इस केस में हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, सैंपल टी इंडिपेंडेंट टेस्ट, जिसमें आप एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को आप कंपेयर करते हो, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ वेरियंस हम कब यूज करते हैं, दो या फिर दो से ज्यादा मीन सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोर देन टू ग्रुप। ओके, नेक्स्ट, द रेंज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 2, 3, 5, 9, 8, 7, 6, 5, 7, 4, 3 इज। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको, ये जो रिसर्च मेथडोलॉजी का मैथमेटिकल पार्ट है वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको, ठीक है, काफी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेंज क्या होता है उसका आपको मतलब पता होना चाहिए। रेंज होता है आपका जो डेटा सेट है और आपके, यू कैन से, जो ऑब्जर्वेशन से आपको जो भी डेटा सेट दिया गया है उसमें आपकी जो हाइएस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है, आपके डेटा सेट में रेंज क्या होता है, डेटा सेट में जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको माइनस करना है आपको लोवेस्ट वैल्यू से। तो जैसे कि आप देखोगे आपका जो डेटा सेट है, यहाँ पर इस सेट में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 9 है, ठीक है, सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 9, और सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2 है, ठीक है, सो 9 माइनस 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर, 7। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू माइनस करनी होगी, दैट इज योर रेंज, और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज 7, ठीक है। नेक्स्ट, एक्शन रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन इन कंसर्ट विद, सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपकी जो फिजिकल एजुकेशन होती है सो उसमें एक्शन रिसर्च किस तरीके से हेल्पफुल होती है, किस तरीके से एक्शन रिसर्च का इन्वॉल्व होता है फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। सो फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, यानी आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सरसाइजेस, आपके हाइजीन, आपको किस तरीके से मेंटेन करना है। तो जरूरी नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन आप ग्राउंड में जाते हो तो आपको बस आपकी जो एक्टिविटीज है वो सिर्फ ग्राउंड में ही कराया जाए, नहीं, आपके ग्राउंड में भी हो सकती है एक्टिविटीज, आपके प्ले ग्राउंड में भी हो सकती है, आपके क्लासरूम में भी हो सकती है, कुछ एक्टिविटीज आपको आपसे टीचर करा सकती है, क्लासरूम में ही कुछ आपको हेल्थ रिलेटेड आपको जो इश्यूज है वो बता सकती है फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं आपके फिजिकल एजुकेशन में, तो याद रखना है कभी भी एजुकेशन से रिलेटेड आपको जो भी, आपको चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी कौन सी भी टाइप की एजुकेशन हो, कभी भी एजुकेशन में अगर कुछ भी आपकी प्रॉब्लम आ रही तो मेनली एजुकेशन में एक्शन रिसर्च यूज करी जाती है। तो एक्शन रिसर्च, जैसे कि एक्शन, एक्शन वर्ड मीन्स इमीजिएट, आप एक्शन कर रहे हो कुछ, तो यहाँ पर आपको क्या वर्ड देखना है, इमीडिएट, इमीडिएट वर्ड पर आपको फोकस करना है, इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम, ठीक है। तो याद रखना है एक्शन रिसर्च एजुकेशन फील्ड में काफी यूज करी जाती है, जिसका हम इमीडिएटली उस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करते हैं। तो याद रखना है एक्शन रिसर्च रिलेटेड आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है तो आपको बस आंसर में इमीडिएट यही वर्ड आपको देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी इमीडिएट, इमीडिएटली ये वर्ड दिखाई देता है तो आपको डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे उस क्वेश्चन का आंसर आपको मार्क कर देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जैसे कि
क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्शन रिसर्च जो है जनरली आपके क्लासरूम में एजुकेशन फील्ड में एक्शन रिसर्च का यूज करा जाता है, जिसका इमीडिएटली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसे भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए हियर इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, या फिर यू कैन से कोऑर्डिनेशन, ये बेसिकली आपके साइंस केमिस्ट्री का ये टर्म है, जिसमें आप क्या करते हो डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप एक जगह एकत्र करते हो, एक जगह आप इकट्ठा करते हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पर ये तो क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। देन ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कब यूज करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो जरूरी नहीं है आपको उसका इमीजिएट रिप्लाई मिले, ठीक है। यस, कुछ एक्सपेरिमेंट का इमीजिएट आपको आंसर भी मिलता है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप देखोगे तो कोई कोई कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं 2 days, 3 days, कुछ कुछ 6 months तक भी चलते हैं एक्सपेरिमेंट, 1 year तक भी एक्सपेरिमेंट चलते हैं, ठीक है। जो आपके ड्रग्स पर एक्सपेरिमेंट बेसिकली होता है वो तो 1 year, 2 year तक आपका एक्सपेरिमेंट चलते हैं। तो जरूरी नहीं है के एक्सपेरिमेंट्स में आपके इमीडिएट आपको रिस्पांस मिले, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट होगा। देन ऑप्शन सी इज लैबोरेटरी प्रॉब्लम, यानी आप लैब्स में कुछ प्रॉब्लम आती है। नो, लैब्स में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी जरूरी नहीं कि आप इमीडिएटली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करो, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। तो याद रखना है फिजिकल एजुकेशन में एक्शन रिसर्च किस तरीके से हेल्प करती है कि वो इमीडिएटली हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के कुछ वैल्यूज दिए गए हैं और हमें पता करना है कि इनमें हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, बस आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है कि रिसर्चर जो है जब भी आपके रिसर्च को स्टार्ट करते हैं तो रिसर्चर जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड कर लेते पहले से, ठीक है। जिसे हम कहते हैं, अगर आम भाषा में कहा जाए तो एरर्स हो सकते हैं, यानी रिसर्चर रिसर्च करने से पहले रिसर्चर कुछ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड कर लेते हैं। तो सिर्फ दो ही वैल्यू होती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, तो उसमें होता है रिसर्चर या तो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करता है या तो 5%, ठीक है। सो अगर रिसर्चर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रख रहा है, मतलब रिसर्चर से उस रिसर्च में सिर्फ 1% एरर, मिस्टेक, या फिर यू कैन से कुछ उनसे गलती होने की चांसेस है, ठीक है। यानी इस केस में अगर आपने 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट कर दिया तो इस केस में आपकी जो रिजल्ट है, आपके रिसर्च के जो रिजल्ट है वो क्या है, 99% क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर रिसर्चर ने जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अपनी रिसर्च में 5% डिसाइड कर लिया, यानी रिसर्चर ने रिसर्च स्टार्ट करने से पहले ये बता दिया कि मैं अपने रिसर्च में 5% एरर आने के चांसेस मानूंगा, यानी 5% एरर मेरी रिसर्च में हो सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 95% जो होगा, जो रिजल्ट आएगा रिसर्चर का वो करेक्ट होगा, इसमें यहाँ पर रिसर्चर श्योर होगा, ठीक है। तो याद रखना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रिसर्चर जब भी रिसर्च स्टार्ट करते हैं उससे पहले सेट करते हैं, सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है सिर्फ दो वैल्यू पर सेट करा जाता है, 1% या फिर और 5%, ठीक है, 1% या और फिर 5%, 1% सेट हो रहा है, यानी सिर्फ 1% मिस्टेक्स होने के रिसर्चर से चांसेस है, 5% का मतलब है 5% रिसर्चर से एरर और मिस्टेक्स होने के चांसेस है, लेकिन 99% करेक्ट रिसर्च होगी, रिसर्च के रिजल्ट जो होंगे 99% करेक्ट होंगे, एंड 95% करेक्ट रिजल्ट तब होंगे जो रिसर्चर के एरर्स जो होंगे 5% होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो वैल्यूज दिए गए परसेंटेज में नहीं दिए गए, डेसिमल्स में दिए गए, ठीक है। तो 0.01 का मतलब होता है 1%, ठीक है, 0.002 का मतलब होता है 0.2%, 0.05 का मतलब होता है 5%, और 0.001 का मतलब होता है 0.1%। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होती है रिसर्च में, 1%, ठीक है, 1% को हम कहते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% को कहते हैं हम लोवेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्यों इसे हम 1% को हाईएस्ट कह रहे हैं, क्योंकि
यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे जो रिजल्ट है 99% करेक्ट आ रहे हैं, और 5% को हम लोवेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्यों कहेंगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 95% जो है रिसर्चर के रिजल्ट करेक्ट आ रहे हैं। तो किस केस में रिसर्चर के रिजल्ट ज्यादा करेक्ट आ रहे हैं वो उससे डिसाइड करा जाता है, हाईएस्ट या फिर लोवल लोवेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर अगर आपने 1% सेलेक्ट करा तो आपके रिजल्ट क्या होंगे इस केस में, 99% करेक्ट होंगे। तो इसीलिए हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाता है 1% को, ठीक है, और 5% को लोवेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाता है। सो इस क्वेश्चन में हमें हाईएस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पूछा जा रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 0.01। ओके नेक्स्ट, इन विच रिसर्च मेथड द रिसर्चर इन्वेस्टिगेट द कॉजेस ऑफ इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट। सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन से रिसर्च मेथड में रिसर्चर जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं, कब, जब वो इवेंट हो जाता है, ठीक है, इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट, उस इवेंट का और यू कैन से उस सिचुएशन का इफेक्ट दिख जाता है, उसके बाद रिसर्चर उस टॉपिक पर उस इवेंट पर इन्वेस्टिगेट करते हैं, यानी इन्वेस्टिगेशन यानी क्या, रिसर्च करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन और फर्दर पता करना कि क्यों वो फेनोमेना और क्यों वो इवेंट अकर हुआ, किस वजह से ये इफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी कोई फेनोमेना कोई इवेंट अकर हो जाता है, उसके बाद अकर होने के बाद अगर रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उस रिसर्च को हम कहते हैं एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड। एक्सपोस्ट, जैसे कि आप देखोगे एक्स पोस्ट यानी एक्स पुराना, यानी पुराना कुछ इवेंट हो जाता है, पोस्ट यानी आप उसके बाद, ठीक है, पोस्ट यानी उसके बाद आप उस फैक्ट पर, ठीक है, फैक्ट मींस उस फैक्ट पर और यू कैन से उस इवेंट पर और उस फेनोमेना पर रिसर्च कर रहे हो, तो ऐसे मेथड को कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड, जो किसी भी इवेंट के होने के बाद अकर होते हैं, उस पर रिसर्चर स्टडी करते हैं उसके बाद, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देन जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो भी हम देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए हियर इज फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड। फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड क्या होता है, एक्सपेरिमेंट मेथड तो हमने देखा, एक्सपेरिमेंट मेथड में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो आप क्या करते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है वो देखते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड में। लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या जोड़ा गया है, फील्ड, फील्ड के जोड़ा गया है वर्ड। फील्ड का मतलब होता है कि नेचुरल सेटिंग में, ठीक है, नेचुरल सेटिंग में जो भी चीजें अकर होती है उस पर आप स्टडी करोगे, ठीक है। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट मेथड क्या होता है, सेम होता है जिस तरीके से आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी परफॉर्म करते हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिस तरीके से आप परफॉर्म करते हो, सेम प्रोसीजर होता है, लेकिन फील्ड वर्ड यूज करा गया। इसका मतलब है कि आप नेचुरल सेटिंग में, ठीक है, नेचुरल सेटिंग में आप उस मेथड को परफॉर्म करोगे, ठीक है। सो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी इज केस स्टडी मेथड। केस स्टडी में आप क्या करते हो, एक फेनोमेना होता है उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता होती है और आपके आप क्या करते हो स्टडी में इन डेप्थ, ठीक है, इन डेप्थ यहाँ पर आप उस फेनोमेना के बारे में, उस पर्टिकुलर केस के बारे में इन डेप्थ आप डिटेल में, यहाँ पर डिटेल में उस चीज को मल्टीपल वेज में यानी हर एक तरीके से आप उसको स्टडी करोगे डिटेल में जाकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड डिसीज थे, ठीक है, कोविड डिसीज के बारे में रिसर्चर को पहले पता चला कि किस तरीके से उसके सिम्टम्स है, थोड़ा बहुत पता चला कि ये डिसीज है जिसमें फीवर होता है, कफ होता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन रिसर्चर ने बाद में क्या करा, उस डिसीज में इन डेप्थ स्टडी करा, ठीक है, यानी कहाँ से वो डिसीज आई, किस तरीके से आई, उसको हर एक एंगल से स्टडी करा डिटेल में इन डेप्थ, तो उसे हम कहते हैं केस स्टडी। सो केस स्टडी में बेसिकली आप क्या करते हो, फेनोमेना और इवेंट कुछ अकर होने के बाद नहीं करते हो, लेकिन यहाँ पर इन डेप्थ डिटेल में आप उसको स्टडी करोगे, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड। ओके नेक्स्ट, हाइपोथेसिस इन रिसर्च मीन्स। तो यहाँ पर हमें बेसिकली हाइपोथेसिस का मीनिंग पूछा जा रहा है, रिसर्च में हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है हाइपोथेसिस क्या होता है रिसर्च में, हमने काफी बार पढ़ते आ रहा है, बहुत सिंपल है। हाइपोथेसिस होता है रिसर्चर के गेसेस,
ठीक है, रिसर्चर के गैसेस, रिसर्चर के अजम्पशंस, रिसर्चर कुछ समय के लिए मान लेते हैं, कुछ टाइम के लिए मान लेते हैं कि ऐसा होने से ऐसा हो सकता है, कुछ टाइम के लिए एक स्टेटमेंट दे देते हैं, उसी को ट्रू मानकर अपने रिसर्च में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ऑप्शन ई में आपको करेक्ट डेफिनेशन दी गई, इंटेलेक्चुअल गेस टेम्पररीली एक्सेप्टेड एज ट्रू। ठीक है, तो इस सेंटेंस का बहुत सिंपल वे में आपको मीनिंग समझा दो, इंटेलेक्चुअल गेस यानी इंटेलेक्चुअल गेस यानी आप उस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो, आप उस फेनोमेना को आप अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आपने उसको अंडरस्टैंड करा, आपने कुछ कॉन्सेप्ट उसको अंडरस्टैंड करके ही गेस करा। आपने ऐसा नहीं आपको कोई आकर बोल रहा है कि ये फेनोमेना इस तरीके से वर्क करता है, आपने उनके बेसिस पर नहीं, आपको जो लग रहा है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एक सोच समझ कर, ठीक है, डिसीजन लेना, गेस करना, टेम्पररीली एक्सेप्टेड यानी कुछ समय के लिए रिसर्चर उस गेस को ट्रू मान लेते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए इस जो भी गेस रिसर्चर के होते हैं वो कुछ समय के लिए वो ट्रू मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेम्पररीली वर्ड यूज करा गया, परमानेंटली नहीं, ठीक है, यानी कुछ समय के लिए उसे ट्रू मानते हैं। फिर उसके बाद उस स्टेटमेंट को और उस गेस को रिसर्च अपने रिसर्च में डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज कर टेस्ट करते हैं। अगर वो रिसर्चर का गेस ट्रू हो गया तो वो रिसर्च एक्सेप्ट हो जाएगी, अगर फॉल्स हो गया तो आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हाइपोथेसिस की जो डेफिनेशन है, जो करेक्ट मीनिंग है, ये आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, और जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसे भी हम एक बारी देख लेते हैं। ऑप्शन बी हियर इज इंफॉर्मेशन गेन फ्रॉम अदर्स। ठीक है, आपने क्या करा, मैंने जैसे आपसे कहा आपको किसी भी और की इंफॉर्मेशन नहीं, आप किसी और से इंफॉर्मेशन ले रहे हो और फिर आप आपकी हाइपोथेसिस डिसाइड कर रहे हो, फिर आप गेस कर रहे हो, तो ये गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी, आंसर टू द क्वेश्चंस, नहीं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना ये हाइपोथेसिस नहीं होता है। सो यर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन डी इज रिसर्च प्रोसीडिंग, नहीं, रिसर्च को आप प्रोसीड नहीं करें, रिसर्च को आगे बढ़ाना ये हाइपोथेसिस नहीं होता है, बल्कि हाइपोथेसिस गेसेस होते हैं रिसर्चर के, टेम्पररीली रिसर्चर उसे ट्रू मानकर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर रिसर्च प्रोसीडिंग भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटेलेक्चुअल गेस टेम्पररीली एक्सेप्टेड एज ट्रू। ओके, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल ऑलवेज बी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी। ठीक है, ऑलवेज बी पूछा जा रहा है, तो याद रखना है कोरिलेशन रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसको हमने काफी लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये बताता है आपके जो कोरिलेशन रिसर्च में वेरिएबल्स है वो परफेक्टली पॉजिटिव या फिर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड, दो वेरिएबल एक दूसरे से किस तरीके से कोरिलेटेड है, किस तरीके से उनके बीच में संबंध है, उससे बता, वो बताता है आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो याद रखना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करेगी और यहाँ पर आपका सेंटर में जीरो वैल्यू होगी। ठीक है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अब -1 का मतलब होता है इधर जो वेरिएबल्स है आपके कोरिलेशन रिसर्च में वो एक दूसरे से किस तरीके से कोरिलेटेड है, परफेक्ट नेगेटिवली कोरिलेटेड। ठीक है, अगर कोरिलेशन रिसर्च में आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू +1 होती है, इसका मतलब होता है कि वेरिएबल्स किस तरीके से कोरिलेटेड है, परफेक्ट पॉजिटिवली। ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिवली वेरिएबल एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए और याद रखना हमेशा कोई कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी -1 से +1 के बीच में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और -1 एंड +1 ये दोनों भी आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है कोरिलेशन रिसर्च में। ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, रिसर्च मीन्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है रिसर्च। ठीक है, आप देखोगे अगर आपने रिसर्च को दो वर्ड्स में सेपरेट कर दिया तो एक बनता है वर्ड री एंड एक वर्ड बनता है सर्च। री मतलब फिर से, ठीक है, री मतलब क्या होता है, फिर से मतलब अगेन। ठीक है, री का मतलब क्या होता है, फिर से,
ठीक है, रीयूज करना, आपने क्या करा वो मटेरियल को फिर से यूज करा, ठीक है। तो री का मतलब होता है अगेन, एंड सर्च मतलब टू फाइंड, ठीक है, और टू सर्च यानी खोजना किसी चीज को, फाइंड आउट करना, ठीक है। तो रिसर्च का मीनिंग होता है टू सर्च अगेन, ठीक है, यानी कोई भी चीजों को, कोई भी फेनोमेना को आप क्या कर रहे हो, फिर से सर्च कर रहे हो। एक फेनोमेना आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक टॉपिक है, ठीक है, उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन आपके पास कुछ है, ठीक है। अब वो जो टॉपिक होता है उसमें भी सब इंफॉर्मेशन होती है, उसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें रिसर्च नहीं की गई है, तो आप क्या करोगे, इसी टॉपिक को आप लोगे, इस टॉपिक में से सब टॉपिक आप देखोगे कि किस पर रिसर्च नहीं करी गई, सो आप वो देखो, वो टॉपिक लोगे, उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है, आपको लगता है कि फर्दर इसके बारे में और आगे भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये फेनोमेना यही नहीं रुकना चाहिए, ये इक्वेशन जो है इसको हमको और सॉल्व करना चाहिए। तो रिसर्चर क्या करते हैं, जो पुरानी इंफॉर्मेशन होती है और जो भी पुराने फील्ड में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होती है उसका यूज कर आगे फिर से उस टॉपिक पर सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। यानी रिसर्च का मतलब है फिर से सर्च करना, ठीक है, टू सर्च अगेन। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू सर्च अगेन। और जो डिफरेंट ऑप्शन है उसे भी हम देख लेते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है, टू डिस्कवर समथिंग, आपने कुछ डिस्कवर करा लेकिन किस तरीके, रिसर्च का मेन मीनिंग क्या है ये पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, टू डिस्कवर दैट इज लॉस्ट, ऐसे चीजें आप कभी भी रिसर्च में नहीं फाइंड आउट करते जो लॉस्ट हो, ठीक है। और अगेन लॉजिकली यहाँ पर ये क्या है, ऑप्शन इनकरेक्ट है। टू डिस्कवर न्यू आइडियाज, ठीक है, न्यू आइडियाज को डिस्कवर करना, ये जो होता है रिसर्च में, ये फंडामेंटल जो रिसर्च होती है, ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च में, रिसर्च का टाइप होता है एक फंडामेंटल रिसर्च, इसमें आप न्यू आइडियाज, न्यू थियोरीज वगैरह को लॉन्च करते हो, बताते हो कि किस तरीके से आप डिस्कवर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन रिसर्च का मतलब नहीं होता है कि टू डिस्कवर न्यू आइडिया, रिसर्च का मतलब होता है टू सर्च अगेन, टू फाइंड आउट समथिंग अगेन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए जो है, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा टू सर्च अगेन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो।